नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन न्यूज में आपके साथ निधि पांडे। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के स्वसहायता समूहों को सार्वजनिक परिवहन पर खरीद को बढ़ावा देने व रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू की गई ब्याज मुक्त ऋण योजना के बारे में जानकारी देने के लिए आज एडीएम विजय बहादुर सिंह ने जिला पंचायत सभागार में संबंधित अधिकारियों व संगठन के सदस्यों की एक बैठक ली। इसके साथ ही राज्य सरकार की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान एडीएम ने बताया कि सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने वालों को सुरक्षा व रोजगार के लिए ऋण मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने इन योजनाओं के लिए लाभार्थियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। लेटेस्ट क्या आया है, इसका अमेंडमेंट तो ये प्रस्ताव गया है, इसको हमने विज्ञापन आपको बता दें कि अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों के लिए राज्य सरकार ने प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की है। इसका मूल मकसद दहेज प्रथा को खत्म करने के साथ ही जाति प्रथा को मिटाना है। इस योजना को और अधिक व्यापक बनाने व लोगों को इसका लाभ दिलाने के लिए आज एडीएम ने इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और लाभार्थियों को चिन्हित कर इसका लाभ दिलाने पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही महिलाओं के स्व समूहों को सार्वजनिक परिवहन खरीद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ब्याज मुक्त ऋण योजना पर भी विशेष जोर दिया गया। ये क्रम में जो है जो अप्लाई किए तो उनका 50,000 का ये प्रस्ताव गया है, इसको हमने विज्ञापन भी कराया था लोगों के जन सामान की जानकारी में लाने के लिए कि इस तरह की अगर कोई शादी किया है तो वो जो है इस तरह के योजना का लाभ पाने के लिए अपना जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसके ताजे भेजा गया। मिर्जापुर के प्रसिद्ध बाबा बूढ़ेनाथ मंदिर के महंत स्वामी योगानंद गिरी महाराज के जन्म दिवस के मौके पर आज मिर्जापुर जिला अस्पताल में भर्ती गरीब मरीजों को फल वितरित किया गया। स्वामी योगानंद महाराज के शिष्यों ने उनका 44वां जन्मदिन मनाते हुए भर्ती मरीजों को फल वितरण कर अपने गुरु को जन्मदिन की बधाइयां दी और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। विश्व सनातन संस्कृति रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बूढ़ेनाथ मंदिर के संरक्षक स्वामी योगानंद के 44वें जन्म दिवस पर अस्पताल में गरीब मरीजों को फल बांटते हुए उनके शिष्यों ने कहा कि हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सभी आगे आएं और 25 जून को निकलने वाली भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होकर इसे सफल बनाएं। आज विश्व सनातन संस्कृति रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बूढ़ेनाथ मंदिर के महंत स्वामी योगानंद जी महाराज जी के जन्म दिवस के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग जिला अस्पताल में फल वितरण का कार्यक्रम किए हैं। आज उनके 44वें जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग जनपद मिर्जापुर को ये मैसेज देना चाहते हैं, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए मिर्जापुर के सभी लोग आगे आएं। 25 जून को होने वाले विश्व सनातन संस्कृति रक्षा मंच के तत्वाधान में जो जगन्नाथ जी की यात्रा निकलेगी, उसमें मिर्जापुर के सभी लोगों से आह्वान करते हैं उस यात्रा को सफल बनाएं, इन कार्यक्रम में सम्मिलित हों। अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले मिर्जापुर जिला अस्पताल के SIC को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। दरअसल मंडलीय अस्पताल की एक स्टाफ नर्स ने SIC पर उसे मेंटली टॉर्चर करने व ओवरडोज देकर अन्यत्र रेफर करने का आरोप लगाया है। इमरजेंसी में जब मैं अपने फ्रेंड को लेकर आई तो वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट हुआ, इसको फीवर है, घर में चक्कर आ रहे हैं, तो इसको ग्लूकोन डी वगैरह पिला के लेके आए, यहाँ पे इसको चक्कर आया, जब इसको डॉक्टर ट्रीटमेंट किए हाफ बोतल चली, उसके बाद SIC का फोन आया सर के पास, अब उस सर के पास, तो इसको क्या बोले हैं रेफर कर दो, इसका कोई ओवरडोज देकर रेफर कर दो। स्टाफ नर्स का कहना है कि कल अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने पर जब उसके परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो SIC ने साफ मना कर दिया और डॉक्टरों से फोन पर कहा कि स्टाफ को यहां से भगा दो। SIC सर ने यहां पर इमरजेंसी में फोन किया, डॉक्टर को ये कहा कि उस स्टाफ को यहां से भगाओ, उसका यहां ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए,
और उसको ओवरडोज वगैरह इधर उधर इंजेक्शन दे करके यहाँ से रिफ़र बना दो बीएचयू के लिए। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर बीएचयू को रिफ़र मेरा बना दिया, मेरे हस्बैंड को बोले कि आप यहाँ से इनको लेके जाइए, इनका यहाँ इलाज नहीं होगा। मुझे कल शाम को मैं रूम पे बेहोश हो गई थी, मुझे चक्कर आ गया था। फिर जब होश में आई कुछ देर बाद जब थोड़ा रिलैक्स मिला, फिर ग्लूकोन डी वगैरह नमक नींबू पानी सब कुछ दिए, कुछ रिलैक्स मिला। ये हॉस्पिटल लेके आए मेरे हस्बैंड मुझे, और क्या कहते हैं, फिर यहाँ पर इमरजेंसी मेरा बीपी चेक किया गया, मेरा बीपी लो था। फिर वहीं पर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, मुझे ड्रिप लगाई गई उस डॉक्टर अभिषेक जायसवाल। फिर उसके बाद में डॉक्टर प्रदीप सर देखे हैं। आधी बोतल चली तब तक किसी ने एसआईसी को बंगले पे बता दिया कि वो पेशेंट वो स्टाफ एडमिट है। तब तक एसआईसी सर ने यहाँ पर इमरजेंसी में फ़ोन किया, डॉक्टर को ये कहा कि उस स्टाफ को यहाँ से भगाओ, उसका यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। मंडलीय अस्पताल में पिछले एक साल से कार्यरत स्टाफ नर्स ने ये भी आरोप लगाया कि जब मेरे साथ एसआईसी का ऐसा व्यवहार है तो आम मरीजों के साथ क्या होता होगा। मैं यहाँ पर एक स्टाफ हूँ, एक साल से यहाँ पर मैं काम की हूँ, और एक स्टाफ नर्स के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा, तो आम पब्लिक के साथ ये कैसा करते होंगे। दरअसल मंडलीय अस्पताल में पिछले एक सालों से कार्यरत स्टाफ नर्सों के साथ अस्पताल प्रशासन का रवैया कुछ ठीक नहीं है, ऐसा कहना है मंडलीय अस्पताल में भर्ती स्टाफ नर्स का। उसका कहना है कि कल शाम अचानक चक्कर आने से जब वो बेहोश हो गई तो परिजन उसे यहाँ ले आए, तो यहाँ पता चला कि उसका बीपी लो हो गया है। इसके अलावा जब किसी ने एसआईसी को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि इस स्टाफ का इलाज यहाँ नहीं होगा और इसे यहाँ से फौरन भगा दो। एसआईसी सर ने यहाँ पर इमरजेंसी में फ़ोन किया, डॉक्टर को ये कहा कि उस स्टाफ को यहाँ से भगाओ, उसका यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, और उसको ओवरडोज वगैरह इधर उधर इंजेक्शन दे करके यहाँ से रिफ़र बना दो बीएचयू के लिए। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर बीएचयू को रिफ़र मेरा बना दिया, मेरे हस्बैंड को बोले कि आप यहाँ से इनको लेकर जाइए, इनका यहाँ इलाज नहीं होगा। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते आए दिन कोई ना कोई घटना सामने आती है। ताजा मामला विंध्याचल थाना क्षेत्र के नदिनी गांव का है, जहां शनिवार दोपहर फॉल्ट दूर कर खंबे से उतरते लाइनमैन की अचानक लाइन चालू कर दिए जाने से मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही का शिकार हुए लाइनमैन के मौत के बाद कल परिजनों ने गैपुरा रामपुर मार्ग जाम करने के बाद आज पोस्टमार्टम हाउस पर जमकर हंगामा मचाया, जिसे देखते हुए पीएम हाउस पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। हमारा एक मजदूर संगठन विद्युत संविदा मजदूर था, जो कि कल वो अचानक बिजली बनाते वक्त लाइन चल आ गई और जिसमें गिर के वो मर गया, पानी खत्म हो गई। अब पोस्टमार्टम हाउस पे हम लोग ये रुके हैं कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ना तो उसके घर गया, ना तो अब तक पोस्टमार्टम हाउस पे आया, ना तो एक नए पैसे की उसको धनराशि की कोई मदद की गई। लाइनमैन की मौत पर हंगामा करते हुए परिजनों के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही है कि मृतक के परिवार को मुआवजा देने के साथ ही मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल शनिवार को दोपहर लगभग 2 बजे विंध्याचल थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर उपकेंद्र में संविदा विद्युत कर्मी अनिल कुमार लाइन ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़ा था। फॉल्ट दूर करने के बाद नीचे उतरते समय ही बिजली आपूर्ति चालू कर दिया गया और लाइनमैन की मौत हो गई। मौत से गुस्साए परिजनों ने आज पीएम हाउस पर जमकर हंगामा मचाया, जिसको देखकर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। 5 लाख का जीवन 5 लाख का बीमा हुआ है और मृतक के दौरान ही तुरंत उसको मिल जाना चाहिए, लेकिन आज तक अभी तक जो है कोई भी अधिकारी यहाँ दिखाई नहीं दिया, और गरीब परिवार के हैं सब जो है व्यथित हैं। कोई भी जो दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपया मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है। जितना हम लोग अभी जांच खोजबीन के पश्चात पता चला, इतनी दुर्व्यवस्था है बिजली विभाग में कि 40,000 रुपया तनख्वाह कागज़ पर निकाला जा रहा है और जो लाइन मैन है उनको 4,000 रुपया दिया जा रहा है। सीधे 36,000 रुपया JEE SDO और XCN मिलकर बांट रहे हैं और उसमें दलाली प्रथा बड़े तेज़ी से चल रही है। कुछ और खबरों की ओर बढ़ने से पहले आए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।